मैक्सिमम चीजें अपनी एक मैनुअल के साथ आती है जो ये बताती है कि चीज़ों को कैसे यूज करना है कैसे रखना है उनका मेन पर्पज क्या है उसी तरह हर एक्ट हर लेजिस्लेशन अपने एक प्रियम्बल के साथ आता है जिसके बारे में हम जानेंगे आज के इस वीडियो में

तो अपने वर्ड ऑफ ओरिजिन की तरह प्रियाम्बल किसी भी एक्ट किसी भी लेजिस्लेशन के लिए उसका एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है जो उस एक्ट के मेन पर्पस के बारे में उसकी फिलॉसफी उसके यूजेस उसके आइडियाज एंड इंस्पिरेशंस उसके मेन प्रिंसिपल्स और उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करता है तो प्रियाम्बल ये सारी चीजें करता है बहुत सारे लोगों ने यह भी कहा है कि एक प्रियाम्बल एक तरीके का ब्लूप्रिंट या नक्शे जैसे होता है तो अगर आप किसी भी एक्ट के प्रियाम्बल को देख लो तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि वो एक्ट मेनली क्या बात करता है दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि प्रियाम्बल किसने बनाया हु ड्राफ्टेड द प्रियाम्बल तो जब हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सामने एक ड्राफ्ट प्रेजेंट किया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए लोगों को क्या राइट्स मिलेंगे क्या लिबर्टीज मिलेंगी ये सारे आइडियाज और एक्सप्रेशन उस ड्राफ्ट में कंटेन थे इस ड्राफ्ट को कहते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो इन्होंने प्रेजेंट किया थर्टीन दिसंबर नाइनटीन को इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को एज अ प्रियाम्बल अडॉप्ट कर लिया गया ट्वेंटी जनवरी नाइनटीन को अब जब से प्रियांबल बना है उसे सिर्फ एक ही बार मॉडिफाई सिर्फ एक ही बार अमेंड किया गया है अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जिससे में तीन नए किए गए थे कौन से कौन से से सोशलिस्ट और इंटेग्रिटी अब प्रियाम्बल के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखते हैं तो प्रियाम्बल में दिखने वाली पहली लाइन है वी द पीपल ऑफ इंडिया ये जो लाइन है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्स को इस्ट करती है पावर को इस्ट करती है

डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और सेक्युलर ये जो वर्ड्स है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की नेचर को डिफाइन करते हैं वहीं इसके बाद दिखने वाले चार इंपॉर्टेंट वर्ड्स जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ऑब्जेक्टिव्स को इस्टेब्लिश करते हैं और ट्वेंटी सिक्स नवम्बर ये जो डेट दी गई है ये बताती है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया गया था तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है, वो एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट और गाइड के साथ साथ source, उसका और उसकी के में इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है जो अपनी इंटरनल मैटर्स खुद मैनेज कर सकती है कोई भी एक्सटर्नल पावर इंडिया के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकता नेक्स्ट वर्ड है सोशलिस्ट जिसे सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंसर्ट किया गया था अब जनरली सोशलिस्ट वर्ड को हम कम्युनिस्ट थ्योरी से रिलेट करते हैं जिसका मतलब ये होता है कि मींस ऑफ प्रोडक्शन पर गवर्नमेंट का या तो होली या तो पार्शियली कंट्रोल होगा पर प्रीएम्बल में जो सोशलिस्ट वर्ड यूज किया गया है यह महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की फिलोसफी से इंस्पायर्ड है जिसका ऑब्जेक्टिव है एक वेलफेयर स्टेट इस्ट करना मतलब पॉवर्टी इग्नोरेंस इन ऑफ अपॉर्चुनिटीज ये सारी चीजों को सोसाइटी से खत्म करना नेक्स्ट वर्ड है सेक्युलर इसे भी इंसर्ट किया गया था फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट के थ्रू सेक्युलर का मतलब ये हुआ कि स्टेट का खुद का कोई रिलीजन नहीं होगा बहुत सारे देशों में सेक्युलर वर्ड को एंटी रिलीजन या अपोज टू रिलीजन भी डिफाइन किया गया है जैसे फ्रांस में जहां पे पब्लिकली आप रिलीजन प्रैक्टिस नहीं कर सकते या फिर यूएसएसआर जहां पर पहले इवन प्राइवेट लाइफ में आप रिलीजन प्रैक्टिस नहीं कर सकते थे पर इंडिया में सेक्युलर वर्ड को पॉजिटिवली यूज किया गया है इंडिया हैज पॉजिटिव सेक्युलरिज्म जिसका मतलब ये हुआ कि स्टेट का तो खुद का कोई रिलीजन नहीं होगा पर इंडिविजुअल्स फ्रीली किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस प्रोफेस और प्रोपोगेट कर सकते हैं और अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को भी मैनेज कर सकते हैं इसके बाद आता है डेमोक्रेसी तो डेमो का मतलब होता है पीपल और क्रेसी का मतलब होता है रूल तो डेमोक्रेसी का मतलब हुआ रूल ऑफ द पीपल अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो डेमोक्रेसी वर्ड यूज किया गया है इसका मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट है वो लोगों की अथॉरिटी से बनेगी द गवर्नमेंट विल बी फॉर्म बाय द विल ऑफ द पीपल अब डेमोक्रेसी दो तरीके की होती है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंडिया में वी हैव इनडायरेक्ट जिसे रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी भी कहते हैं और 18 इयर्स ऑफ एज के बाद एवरी सिटीजन गेट्स अ राइट टू वोट अब इंडिया के रियल हेड कौन है प्राइम मिनिस्टर और नॉमिनल हेड कौन है प्रेसिडेंट ये दोनों ही कंट्री के इलेक्टेड हेड्स हैं तो हमारे जो नेक्स्ट वर्ड है Republic, ये का opposite हुआ मतलब जो जो है 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 वो elected है, ना कि द्वारा नहीं है. तो Super 30 movie में डायलॉग था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा वो है ये स्टेटमेंट और इसका जस्ट ऑपोजिट होता है रिपब्लिक अब प्रियम्बल से रिलेटेड और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या प्रियांबल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और क्या

इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आर्टिकल 368 के थ्रू पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है पर प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है ही नहीं इसलिए आर्टिकल 368 के थ्रू प्रीएम्बल को अमेंड नहीं किया जा सकता ये कहा गया था इस केस में पर इस केस में सुप्रीम कोर्ट से एक गलती हो गई उन्होंने ये पॉइंट नोटिस नहीं किया कि कॉन्स्टिट्यूशन की बाकी पार्ट्स की तरह प्रियाम्बल को भी सेम प्रोसीजर से अडॉप्ट और इनैक्ट किया गया था ये पॉइंट जो यहाँ मिस हुआ ये ऑब्जर्व किया गया था केसरवंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के बाकी पार्ट्स की तरह प्रियाम्बल को भी सेम प्रोसीजर से अडॉप्ट और इनैक्ट किया गया था इसका मतलब क्या हुआ कि प्रीएम्बल भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो आर्टिकल 368 में अपनी पावर्स का यूज करते हुए पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट के साथ साथ प्रीएम्बल को भी अमेंड कर सकती है यह कहा गया था केसरनंदा भारती के केस में तो इस केस में क्या कहा गया कि प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट के नॉट बी अमेंडेड पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो गया था पॉइंट रियलाइज किया गया इस केस में जिसमें यह कहा गया कि प्रियांबल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और प्रियाम्बल को अमेंड किया जा सकता है पर जैसे कि हमने इस पूरे वीडियो में ये देखा कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स बहुत सारे बेसिक फीचर्स की बात करता है तो आर्टिकल 368 का यूज करते हुए पार्लियामेंट प्रियांबल को अमेंड तो कर सकती है पर उसके बेसिक फीचर्स के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती है बेसिक फीचर्स नॉट बी अमेंडेड अब आप ये सोचेंगे कि फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू तो प्रियाम्बल में तीन वर्ड्स एड किए गए थे वो कैसे हुआ तो फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट से जो तीन वर्ड्स एड किए गए थे वो प्रियाम्बल के बेसिक फीचर्स के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे थे उन तीन वर्ड्स ने प्रियाम्बल में और स्ट्रेंथ एड की है उन्होंने बेसिक फीचर को नहीं छेड़ा तो ये था आज का वीडियो प्रियाम्बल के ऊपर अगर आपको प्रियाम्बल से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो डू लेट मी नो इन सेक्शन के बारे में आप जानकारी पा सकते हैं लर्न डॉट फिनोलॉजी डॉट इन पर और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं फिनोलॉजी लीगल के नाम से उम्मीद करती हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो दैट्स इट फॉर नाउ सी इन द नेक्स्ट क्लास बाय बाय